हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इज कोडिंग नेसेसरी फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट और नॉट? तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कोडिंग क्या जरूरी है जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके लिए या नहीं। तो कोडिंग जरूरी है क्योंकि हर ब्रांच में इसका जरूरी पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको सिग्नल सिस्टम में पढ़ेगा, फिर कंट्रोल सिस्टम में पड़ेगा, प्रोग्रामिंग जो भी होगा उसमें यूज करेगा। उसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कोडिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये रोबोटिक्स और सिमुलेशन उसके लिए यूज करेंगे। फिर सिविल इंजीनियरिंग में भी ज़रूरी है इसका कोडिंग का। मैटलैब यूज होता है, पाइथन यूज होता है और अदर सॉफ्टवेयर भी यूज होता है फॉर्मेशन के लिए। और केमिकल इंजीनियरिंग में भी इसका कोडिंग का ज़रूरी है। मैटलैब यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं और ऑटोडेस्क इन्वेंटर भी यूज करते हैं इसको फॉर्मेशन करने के लिए। तो बेसिकली ओवरऑल कोडिंग हम लोग को ज़रूरी है। जो भी लोग बोलते हैं कि कोडिंग ज़रूरी नहीं है, कोडिंग ज़रूरी है।